हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है फॉरिएर ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट सिग्नल। तो आज के टॉपिक के अंदर हम कांस्टेंट सिग्नल जो कि हमारा एफ टी इक्वल्स टू वन, इसका हम फॉरिएर ट्रांसफॉर्म निकालना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो कोई भी टाइम डोमेन सिग्नल एक्स टी है तो इसका जो फॉरिएर ट्रांसफॉर्म होता है वो एक्स ओमेगा होता है, और जो एक्स ओमेगा होता है वो इक्वल्स टू होता है हमारा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स टी e टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। यहाँ पर हमको एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो हम एक्स टी की जगह एफ टी रख देंगे। तो एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एफ ओमेगा, ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एफ टी की वैल्यू है हमारे पास 1, तो 1 e टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। तो इसको हम आगे सोल्व करते हैं, तो जो एफ ओमेगा है वो इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी हो जाएगा आपका कोस ओमेगा टी माइनस जे साइन ओमेगा टी डी टी। इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कोस ओमेगा टी डी टी माइनस जे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन ओमेगा टी डी टी। अब यहाँ पर जो ये साइन ओमेगा टी है ये आपका ओड फंक्शन है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये आपका जीरो हो जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो आ जाएगी क्योंकि जो साइन ओमेगा टी है वो आपका ओड फंक्शन है। तो जो एफ ओमेगा है वो इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कोस ओमेगा टी डी टी। कोस ओमेगा टी आपका इवन फंक्शन है तो हम इसको इक्वल टू लिख सकते हैं एफ ओमेगा इक्वल टू टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी कोस ओमेगा टी डी टी। इसको हम इक्वेशन नंबर वन बोल देते हैं। अब अगर हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारे पास एफ टी इक्वल टू वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, पर हमको यहाँ पे अभी इसी इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं पता है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जो डेल्टा टी है उसका यहाँ पे यूज करेंगे। हमको पता है कि जो डेल्टा टी यानी जो इम्पल्स फंक्शन होता है उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो वन होता है। इसका मतलब वन का जो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो डेल्टा टी होगा। तो कोई सिग्नल एक्स टी है, अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपके पास एक्स ओमेगा आता है तो एक्स ओमेगा तो आपका इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। इसको हम बोलते हैं एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। तो जो एक्स टी है वो इक्वल टू होता है वन अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ओमेगा ई टू द पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। ये आपका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपको एक्स ओमेगा दिया होता है और उससे आप एक्स टी निकालते हो। तो अगर आपका यहाँ पे जो एक्स टी है वो अगर डेल्टा टी हो तो एक्स ओमेगा कितना होगा वन। तो यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एक्स टी अगर आपका यहाँ पे डेल्टा टी है तो जो एक्स ओमेगा है यानी कि जो एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो आपका वन हो जाएगा और ये ई टू द पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा। यहाँ पर जो ये डेल्टा टी है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म वन होता है, ये कैसे होता है इस पर मैंने एक वीडियो पहले से ही बना रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं कि जो डेल्टा टी है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म वन कैसे आता है। अब नेक्स्ट हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो इस 2 पाई को मैं इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई डेल्टा टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और ई टू द पावर जे ओमेगा टी को हम लिख देते हैं यहाँ पे कोस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी डी ओमेगा। तो ये इक्वल हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कोस ओमेगा टी डी ओमेगा प्लस जे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन ओमेगा टी डी ओमेगा। अगेन ये आपका जो साइन ओमेगा टी है ये आपका ओड फंक्शन है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका जीरो हो जाएगा और इसको आप लिख सकते हैं टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी कोस ओमेगा टी डी ओमेगा। तो जो 2 पाई डेल्टा टी है वो इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी कोस ओमेगा टी डी ओमेगा। तो यहाँ पे हमने जो ये इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू निकाल ली, पर
हमको जो इंटीग्रेशन, हमको जिस इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए वहाँ पे, यहाँ पे डी टी है और यहाँ पे आया है आपका डी ओमेगा। तो यहाँ पे डी टी है और यहाँ पे डी ओमेगा आया है, तो यहाँ पे हमको डी ओमेगा की जगह डी टी बनाना पड़ेगा। तो डी ओमेगा की जगह डी टी कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो ओमेगा है उसकी जगह लेमडा पुट करते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू, मैं यहाँ पे अगर लेमडा पुट करता हूँ तो डी ओमेगा आपका डी लेमडा के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2π Δt = 2 इंटीग्रेशन 0 to ∞। ये अब आपकी लेमडा की लिमिट है। ये हो जाएगा यहाँ पे कोस ओमेगा की जगह आप लेमडा पुट कर दीजिए ये टी, और डी ओमेगा की जगह हो जाएगा डी लेमडा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे डी लेमडा। अब नेक्स्ट जो टी है उसकी जगह आप ओमेगा पुट कर दीजिए, तो मैं टी इक्वल्स टू ओमेगा पुट कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा आपका 2π Δ ओमेगा = 2 इंटीग्रेशन 0 to ∞। ये अब जो लिमिट है वो आपकी टी की है, यहाँ पे आ जाएगा कोस लेमडा ओमेगा डी ओमेगा। अब जो लेमडा है उसकी जगह आप अगेन टी पुट कर दीजिए, तो ये जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा 2π Δ ओमेगा = 2 इंटीग्रेशन 0 to ∞ कोस ओमेगा टी डी ओमेगा। तो हमको इसी इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए थी जो कि हमने निकाल दी। तो इंटीग्रेशन 0 to ∞ 2 कोस ओमेगा टी डी ओमेगा इक्वल टू आ गया आपके पास 2π Δ ओमेगा। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं 2π Δ ओमेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से जो एफ ओमेगा है वो इक्वल टू आ जाएगा आपका 2π Δ ओमेगा। तो जो 1 है इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो आ गया आपके पास 2π Δ ओमेगा। तो आज की वीडियो में हमने जो Ft = 1 है यानी एक कांस्टेंट सिग्नल है उसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना सीखा है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।